नमस्कार दोस्तों, जिन सारे लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ साजिश की थी उन लोगों का गेम ओवर होने वाला है। ये फोटो तो आप देख ही सकते हो, ये फोटो काफी वायरल हुई है जहां पे आप आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, संजय राउत, शिवसेना के इन सारे कर्मियों के साथ आप देख पाओगे बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान को। तो ये फोटोज देख के ये बात तो तय है कि सलमान खान ठाकरे खानदान के काफी चचेरे हैं और सुशांत सिंह राजपूत के साथ सलमान खान के संबंध अच्छे नहीं थे, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत कभी भी किसी लॉबी के सामने झुके नहीं और सुशांत सिंह राजपूत इन सारे लोगों के अवैध धंधे को एक्सपोज करने वाले थे, जिसके कारण सुशांत सिंह राजपूत की जान गई, उन्हें मारा गया। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद अब 2 साल हो चुके, लेकिन अभी तक हमारे सामने ऑफिशियली निकल के नहीं आया कि कौन से लोग जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को इतने गंदे तरीके से मारा है। लेकिन जो लोग सुशांत के मौत के पीछे जुड़े थे वो धीरे धीरे एक्सपोज हो रहे हैं। अभी बीजेपी के एक बड़े नेता किरीट सोमैया ने ट्वीट किया है कि वो शिवसेना के सांसद संजय राउत के खिलाफ केस दर्ज करेंगे और आज ही उन्होंने संजय राउत के खिलाफ मुलुंद पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर किया है। अभी कौन से आरोप संजय राउत पे लगाए गए हैं ये तो देखने वाली बात है और टाइम के साथ ये पता चल ही जाएगा। उसके पहले ये न्यूज आई थी कि संजय राउत और संजय राउत की जो पत्नी है, इन सारे लोगों का अवैध कारोबार है, रियल एस्टेट का फर्जी प्रॉपर्टी है उनके नाम पे किया हो, और इनके ये जो काले कारोबार है वो सब अभी एक्सपोज्ड हो चुके हैं और सेंट्रल एजेंसी अभी जांच कर रही है। दूसरी तरफ अगर आप मुंबई पुलिस के जो खिलौने ऑफिसर्स है सचिन वाजे और परमवीर सिंह, इन सारे लोगों का भी चैप्टर बंद हो गया है। सचिन वाजे जैसे आपको पता है कि एनआईए की गिरफ्त में है, वो जेल के सलाखों के पीछे सर रहे हैं और सचिन वाजे ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है कि जो बिजनेसमैन मनसुख हिरेन जिनकी मौत हुई थी उनको मारने के लिए सचिन वाजे ने ही ऑर्डर दिया था और 45 लाख रुपए दिए गए। और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये जो प्लानिंग हुई थी मनसुख हिरेन को मारने की, ये प्लानिंग मुंबई पुलिस स्टेशन में हुई थी और उस वक्त पुलिस कमिश्नर थे परमवीर सिंह, यानी परमवीर सिंह के ऑफिस के अंदर प्लान हुआ था कि कैसे बिजनेसमैन मनसुख हिरेन को मारा जाए। एक मर्डर की प्लानिंग होती है मुंबई पुलिस स्टेशन। तो मुंबई पुलिस के जितने सारे भ्रष्ट ऑफिसर्स हैं वो सारे अभी एक्सपोज्ड हो चुके हैं और मुंबई पुलिस क्या कर रही थी सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियन के मौत के वक्त मुंबई पुलिस का क्या रोल था ये अभी सबको पता चल गया है। अभी आने वाले टाइम पे पता चलेगा कि क्या होने वाला है और कितनी जल्द सुशांत के कातिल जो है वो बेनकाब होंगे। सचिन वाजे ने अभी तो बोल दिया है कि मनसुख हिरेन को उन्होंने ही मरवाया था 45 लाख रुपए देके। अभी यही उनसे उम्मीद है कि बहुत जल्द सचिन वाजे ये भी बोलेंगे कि दिशा सालियन को किसने मरवाया है और सुशांत सिंह राजपूत को किसने मरवाया है, क्या उनकी जो मौत है वो लाइव स्ट्रीमिंग पे दिखाई गई थी और कितने पैसे दिए गए थे इन दोनों को मारने के लिए। मुझे आशा है कि बहुत जल्द सचिन वाजे टूट जाएंगे और कबूल करेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियन की मौत कैसे हुई थी। आपके क्या विचार है, आपके कमेंट्स मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिए और रेगुलर अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों टेक केयर, जय हिंद एंड जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत।